रायसन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विद्युत डीपी व ट्रांसफार्मर में लगी आग, मची अफरा तफरी। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही विद्युत ट्रांसफार्मर और डीपी आदि में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगती हैं। जहां एक दिन पहले गणेश मंदिर रोड का ट्रांसफार्मर जल जाने से करीब 8 घंटे तक विद्युत सप्लाई प्रभावित रही थी, आज दोपहर के करीब 2 बजे पुराना बस स्टैंड की डीपी व ट्रांसफार्मर में आग की लपटें उठता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे खड़े होकर तमाशा बने देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। सूचना मिलने पर विद्युत कर्मियों ने आकर मिट्टी और नालियों का पानी से आग बुझाने का असफल प्रयास किया। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। तब कहीं जाकर नगर पालिका की दमकल पहुंची, जिसने पूरी तरह से आग को बुझाया। यदि लोग विद्युत कर्मियों की मदद करते तो 10 मिनट में ही आग पर काबू पाया जा सकता था और अधिक नुकसान होने से बचा जा सकता था। आग से ट्रांसफार्मर में लगे बॉक्स, वायर, डीपी आदि जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। गनीमत रही कि ट्रांसफार्मर अधिक जलने से बचा लिया गया। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विदिशा के बस स्टैंड पर दिन दहाड़े कार का शीशा तोड़कर 40,000 का बैग ले उड़े चोर। विदिशा निवासी राज बहादुर सिंह की गाड़ी से 40,000 की हुई चोरी। पेट्रोल पंप संचालक है राज बहादुर सिंह, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए हुए थे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। विदिशा के कोतवाली थाने का है मामला। इस संबंध में कोतवाली पुलिस कैमरे के सामने आने से बच रही है। जानकारी मिलने तक पुलिस कंट्रोल रूम के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी हुई है। पुलिस जांच जारी है, जल्दी ही चोर पकड़ लिए जाएंगे। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट।